दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर लाजवाब। हम अपना किचन पे पनीर लाजवाब किस तरीके से बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको आज इस वीडियो में। और दोस्तों पनीर लाजवाब के लिए सबसे पहले हम इंडियन स्टाइल में ऑनियन टोमेटो का एक ग्रेवी का पेस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, तो इंग्रेडिएंट्स के तौर पे यहाँ पर देख रहे मैंने ले लिया है हॉल मसाला, जिंजर, गार्लिक और कश्मीरी रेड चिल्ली, स्लाइस ऑनियन, टोमेटो, बेल पेपर्स, रेड कैप्सिकम, वाटरमेलन सीड और कैसुनेट। आपको ये सारे चीज इंग्रेडिएंट्स की तौर पे रेडी कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप लोग तड़का लगा के बनाएंगे तो सबसे पहले तेल ऐड करके सारे चीज ऐड कर लीजिए, नहीं तो बॉईल करके भी बना सकते हैं। तो बॉईल करने के लिए आपको लेना है पैन और पैन में ऐड कर लेना है ऑनियन, टोमेटो। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, पानी ऐड कर लेना है। नेक्स्ट इसमें ऐड कर लेंगे हॉल खड़ा मसाला, गार्लिक, जिंजर और कश्मीरी रेड चिल्ली, साथ में ऐड कर लेंगे रेड कैप्सिकम और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे वाटरमेलन सीड और कैसुनेट। आपको इसे अच्छा से वॉश करके ऐड कर लेना है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसे अच्छा से उबाल के बॉईल कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे 15 से 20 मिनट बीत चुका है, हमारा यहाँ पर मिक्सर अच्छा से उबाल के बॉईल हो चुका है। आपको क्या करना है, आप फ्लेम ऑफ कर लेना है और इस मिक्सर को ठंडा करके स्मूथ करके पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हमारा यहाँ पर मिक्सर अच्छा से कोल्ड हो चुका है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसे मिक्सी जार में आपको ऐड करना है और इसे स्मूथी पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों आपका मिक्सर जब स्मूथ करके पेस्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, इसे एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि हम जितना भी मिक्सी में पेस्ट बनाएंगे वो स्मूथ नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे स्ट्रेनर पे अच्छा से स्ट्रेन कर लेना है। और दोस्तों देख रहे हैं हमारा यहाँ पर ग्रेवी तैयार है। अब आपको क्या करना है, इस ग्रेवी को साइड कर लेते हैं और इसका बीच में इंग्रेडिएंट्स जुगाड़ कर लेते हैं और पनीर लाजवाब के लिए लगाते हैं एक जबरदस्त तड़का। तो इंग्रेडिएंट्स के तौर पे यहाँ पर देख रहे मैंने लिया है हॉल खड़ा मसाला, जीरा सीड, चॉप्ड झिंजर, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिल्ली, चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड टोमेटो और देख रहे मैंने पनीर को अच्छा से क्यूब्स करके डायमंड शेप में काट लिया है। आप लोग आपका मनपसंद कोई भी शेप में पनीर को काट सकते हैं। यहाँ पर देख रहे मैंने डायमंड शेप में पनीर को काट लिया है। तो दोस्तों चलो तड़का के लिए बैठा लेते हैं कढ़ाई। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में क्या ऐड करेंगे, ऐड कर लेंगे ऑयल। आपको धीरे धीरे इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हमारे यहाँ पर तेल गरम होने आ चुका है। तो आपका जब तेल गरम हो जाए आपको क्या करना है, धीरे धीरे जीरा और ये हॉल खड़ा मसाला आपको तेल में ऐड कर लेना है और इसे तेल में अच्छा से भून लीजिए। जीरा और हॉल खड़ा गरम मसाला को आपको तेल में अच्छा से भून लेना है। जब ये मसाला भुना हो जाए तब आपको क्या ऐड करना है, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिल्ली, धीरे धीरे वन बाय वन करके ये तीनों चीज आपको ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे आपको जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली जब आपका अच्छा से ब्राउन होने आ जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको ऐड कर लेना है चॉप्ड ऑनियन। आपको धीरे धीरे
चॉप ऑनियन ऐड कर लेना है और इस ऑनियन को आपको अच्छा से भून लेना है। हमारा ऑनियन ब्राउन होने आ चुका है। जब आपका ऑनियन ब्राउन होने आ जाए तब आपको क्या करना है, फ्लेम थोड़ा स्लो कर लेना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। तो देखिए ऑनियन का साथ में आपको क्या कर लेना है, ऐड करना है नमक। आपको ऐड करना है स्वादिष्ट अनुसार नमक, ऐड कर लेना है थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर और ऐड कर लेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और कलर के लिए। और ये देख रहे साथ में ऐड कर लेंगे नॉर्मल स्पाइसी चिल्ली पाउडर और स्पाइसी के लिए ऐड कर लेंगे जीरा पाउडर और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे कोरिएंडर पाउडर। आपको ये चारों सामान ऐड कर लेना है और इससे ऑनियन का साथ इस मसाला को आपको अच्छा से भून लेना है। जब आपका मसाला का साथ ऑनियन भुना हो जाए तो आपका मसाला जाते ना जले तब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है थोड़ा सा पानी और इस मसाला को आपको अच्छा से पका लेना है। देख रहे मैंने कैसा मसाला पका रहा हूँ, आपको सेम ऐसा ही मसाला पका लेना है। तो दोस्तों जब आपका मसाला पक के तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है टोमेटो चॉप। आपको धीरे धीरे इसमें टोमेटो चॉप ऐड कर लेना है और इस मसाला का साथ अच्छा से भून के टोमेटो को गला लेना है। जाते आपका टोमेटो अच्छा से मैश हो जाए तब तक आपको इस मसाला को पकाना है। आपका जब टोमेटो गल के मसाला बन के तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है इस ग्रेवी पेस्ट। आपको धीरे धीरे ये ग्रेवी पेस्ट इस पे ऐड कर लेना है और इसका साथ में देख रहे इसमें जो चिपका हुआ था ग्रेवी उसको मैंने पानी डाल के अच्छा से धो के ऐड कर लिया। और आपको क्या करना है, इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है और इस ग्रेवी को मिनिमम 10 मिनट तक अच्छा से उबाल के तैयार कर लेना है। मिनिमम आपको 10 से 15 मिनट तक अच्छा से उबालने का, तभी जाके ग्रेवी का जो रॉ फ्लेवर है वो रॉ फ्लेवर आपको पूरा खत्म करना है और इसे अच्छा से पकाना है। देख रहे मैंने 10 से 15 मिनट तक ग्रेवी को अच्छा से उबल के थिकनेस कर लिया है। आपको क्या करना है, ग्रेवी का थिकनेस का ऊपर ध्यान देना है और आपको ग्रेवी सेम ऐसा ही थिकनेस कर लेना है। जब आपका ग्रेवी उबल के सेम ऐसा ही थिक पर आ जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा कास्तूरी मेथी। यहाँ पर देख रहे मैंने लिया है कास्तूरी मेथी और इसे हाथ में अच्छा से घिस के आपको पाउडर करके ऐड कर लेना है। अगर आपका पास पहले से कास्तूरी मेथी पाउडर हो तो आप लोग कास्तूरी मेथी पाउडर ऐड कर लीजिए। तो कास्तूरी मेथी के बाद आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड कर लेना है गरम मसाला। तो ऐड कर लेंगे 1 स्पून गरम मसाला और इसे अच्छा से मिक्स करके पका लेंगे। देख रहे हैं आपको सेम ऐसा ही इसे मिक्स करके अच्छा से उबाल के पका लेना है। तो देख रहे हैं जब मसाला मिक्स होके उबाल के तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है थोड़ा सा बटर। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है बटर और इस बटर को अच्छा से मेल्ट करके इस ग्रेवी का साथ पका लेंगे। तो दोस्तों जब बटर का साथ ग्रेवी उबल के अच्छा से तैयार हो जाए तब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है फ्रेश क्रीम। आपको धीरे धीरे इसमें फ्रेश क्रीम एक बॉल ऐड कर लेना है और इस ग्रेवी को क्रीम का साथ पका के आपको इसे सेट कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने यहाँ पर ग्रेवी को अच्छा से सेट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, अभी फ्लेम थोड़ा स्लो कर लीजिए। चलो आप चलते पनीर की ओर। देख तो नेक्स्ट पनीर का बारी है। चलो आप लोग चाहे तो ऐसा रॉ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब इस पनीर को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर देख रहे हमारा कढ़ाई पे तेल गरम है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे पनीर को अच्छा से फ्राई कर लेना है और जब आपका पनीर फ्राई होने आ जाए तब आपको क्या करना है।
में यहाँ पर पानी और हल्दी नमक मिक्स करके रखा था, आपको सेम पनीर फ्राई करके इसमें सोक कर लेना है। तो दोस्तों आपको पनीर को फ्राई करके धीरे धीरे हल्दी पानी में ऐड कर लेना है। तो दोस्तों और एक बार आप लोग देख लीजिए ग्रेवी का थिकनेस, आपको सेम ऐसा ही थिकनेस ग्रेवी रखना है। और ग्रेवी जब ऐसा स्लोली उबले तब आपको क्या करना है, धीरे धीरे नेक्स्ट ऐड कर लेना है पनीर। यहाँ पर देख रहे मैंने कैसे पनीर ऐड कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट पनीर ऐड कर लेना है। मैंने पनीर ऐड करके इसे अच्छा से मिक्स कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस ग्रेवी का साथ पनीर को और 2 मिनट अच्छा से पका लेना है। इसमें क्या होगा, जो ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो पनीर का अंदर चला जाएगा और हमारा पनीर लाजवाब खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होगा। हम नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा देसी घी, मैंने पहले ऑलरेडी बटर ऐड किया, बना रहे लाजवाब तो इसके लिए नेक्स्ट ऐड कर लेंगे और 2 चम्मच देसी घी। और देसी घी के बाद आपको ऐड कर लेना है थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, अब आपको धीरे धीरे ऐड कर लेना है थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और ऐड कर लेंगे थोड़ा सा जूलियन जिंजर, आपको ऐड कर लेना है और इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों देख रहे हमारे यहाँ पर पनीर लाजवाब तैयार है। आपको क्या करना है, सेम ऐसा ही रेसिपी फॉलो करके सेम ऐसा ही लाजवाब पनीर रेडी करना है। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आया तो जोरदार एक लाइक हो जाए और हो जाए एक जोरदार कमेंट। मैं हूँ आपका दोस्त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नया खाने का साथ। बाय बाय, थैंक यू। अब हम इसे अच्छा से प्लेटिंग कर लेते हैं।